उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा ही घूमते फिरते हैं रोड रोड पर, जिस तरह से लकड़ सिंहुआ घूमता है उसी तरह से उनका हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है। जिसका पार्टी में कोई वजूद नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी लड़ा था विधानसभा चुनाव, एक सीट नहीं जीते। पहले भी वो बहुत बयान देते थे, अब फिर देखे कहाँ से कहाँ आए, फिर कुछ दिन समय बीतेगा, फिर जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो आना जाना उनका काम रहता है, किसी के कहने से थोड़े से होता है। जिसके साथ बिहार की जनता होगी वहीं बिहार का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी कहिए दे कि 25 के उम्मीदवार तेजस्वी जी होंगे, तो उसमें अब क्या इस बट रह गया है। उपेंद्र कुशवाहा का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ इस देश में। भाजपा को हटाना है, बेलाना ही उग्रवादी तत्व तो है देश का। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और पूरा आम आवाम उनके साथ है। कहीं किसी से कोई 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आज सुबह एक बड़ी बात कर दिए। उन्होंने कहा था कि अगर वाकई में डील नहीं हुई थी तो 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी अति पिछड़ा समाज को या फिर लघु समाज को बनाया जाए। ऐसे में क्या कुछ होगा आगे, ये तो देखना वाकई लाजमी होगा। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद से लोकू समीकरण पे भी सवाल करके, साथ ही साथ डील पे भी सवाल करके उस पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के और क्या नहीं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम संतोष यादव हुआ। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए जदयू को, क्या कहिएगा इसको? देखिए, किसी कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और पूरा आम आवाम उनके साथ है। कहीं किसी से कोई 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये लोगों की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। कुशवाहा जी तो बोल रहे हैं कि उनको नहीं बनाने के लिए, तो उनके कहने से क्या होने वाला है? इसी तरह पहले भी वो बहुत बयान देते थे, अब फिर देखे कहाँ से कहाँ आए, फिर कुछ दिन समय बीतेगा, फिर जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो आना जाना उनका काम रहता है, किसी के कहने से थोड़े से होता है। जिसके साथ बिहार की जनता होगी वहीं बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आज भी तेजस्वी के साथ पूरे बिहार की जनता है। 2025 की हम बात कर रहे हैं, उस समय अगर नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ में, कैसे ये पॉसिबल होगा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे, आम जनता का एकदम रुझान है, लोगों के प्रति आकर्षण है कि तेजस्वी यादव ही देश का भविष्य हो सकता है, बिहार का भविष्य हो सकता है। इसलिए ये आप मान लीजिए कि देश का बिहार का नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में होगा 2025 का। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम हो गया? अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? आरा, आरा जिला से आए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के बयान आई है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा ही घूमते फिरते हैं रोड रोड पर, जिस तरह से लकड़ सिंहुआ घूमता है उसी तरह से उनका हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है। जिसका पार्टी में कोई वजूद नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी लड़ा था विधानसभा चुनाव, एक सीट नहीं जीते। अब बोलते चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी नहीं बनेंगे। तेजस्वी जी तब अखिले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन 25 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फाइनल है, फाइनल है, लग उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। नीतीश तो मान जाएगी, नीतीश तो खुद अब नेता है, विरोधी दल के नेता रहेगा, अभी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार जी कहिए दे कि 25 के उम्मीदवार तेजस्वी जी होंगे, तो उसमें अब क्या इस बट रह गया है। तेजस्वी जी राजद सही बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को आप लाइटली लेते हैं? उपेंद्र कुशवाहा का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ इस देश में। भाजपा को हटाना है, बेलाना ही उग्रवादी तत्व है देश का। हर जगह बजरंग दल, शिवसेना हर जगह लड़ाई झंड कराते रहता है। इसको देश के जनता नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। कहीं नौकरी नहीं है, दो करोड़ रोजगार देने की बात किया था, सब फेल है। अब कहाँ अब रहना है? तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हर जगह रोजगार हर विभाग में वैकेंसी निकल रहा है। इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना लगभग मान के 24 में लोग विदाई है भाजपा का, उसके बाद तो हम बनिए जाएंगे 25 में। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मुन्ना यादव है। आप भी यादव जी हैं, क्या कहिएगा? उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नहीं बना करके किसी पिछड़ा समाज या ब्लॉकों से अति पिछड़ा समाज से बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। कहने से नहीं होगा, कहते रहते दिन भर, टिराते रहते हैं, टिराते रहे। तेजस्वी जी 2024 में मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं जी। बन जाएंगे, उम्मीद है एकदम सही में सही परसेंट, 100 में 100% जी। नहीं बने तो एकदम फाइनल है, तो उपेंद्र जी चिल्लाते रहे। उपेंद्र जी के बात का कोई वैल्यू नहीं है? एकदम वैल्यू नहीं है।
यदि रहता तो एक भी सीट उसका नहीं निकलता। चलिए देखिए, तो लगातार बयानबाजी है वो भी जारी है और लोगों का भी अपना अपना राय है। यादव समुदाय के लोग थे, बोल रहे थे तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी बन जाते लेकिन नीतीश जी के चलते रुके हुए हैं। 2025 में नीतीश जी कह दिए हैं तो बन जाएंगे। देखने का क्या कुछ होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।